हेलो बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा छठवी के लिए है और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट आठ बताएंगे अध्याय आठ बताएंगे इससे संबंधित प्रश्नों को समझाएंगे चलिए देखते हैं अध्याय आठ क्या दिया है जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में भिन्न भिन्न क्या होते हैं एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार एक बटे दस के द्वारा एक को दो समान भागों में तीन समान भागों में चार समान भागों में दस समान भागों में बांटना सीखा है आइए एक खंड को दस समान भागों में बांटने पर विचार करते हैं एक पूर्ण भाग ये हो गया देखिए पूरा क्या है एक पूर्ण भाग है और इसके हमने कितने भाग बनाए दस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस समान भाग बना दी एक के कितने दस समान भाग बनाए अब जैसे एक भाग को क्या पढ़ेंगे एक बटे दस एक बटे दस एक बटे दस एक बटे दस इस प्रकार से आप दस को दस समान भाग, भागों को एक एक बटे दस एक बटे दस पढ़ेंगे अब एक समान दस भागों को बांटने पर प्रत्येक भाग का मान एक बटे दस होगा अर्थात दस में से एक क्या होगा एक बटे दस याने शून्य दशमलव एक दो बटे दस में शून्य दशमलव दो नौ बटे दस शून्य दशमलव नौ दस बटे दस एक तो इस प्रकार दस में एक भाग हुआ देखिए यहाँ निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कीजिए सारणी दिया संख्या दी हुई है यहाँ संख्या दी हुई नहीं है हमने हमें लिखे बताया पहले यहाँ क्या दिया है दाई का अंक दिया है इकाई का अंक दशांश और शतांश देखिए दाई के स्थान पर क्या है दो इकाई के अंक स्थान पर सात है दशांश के स्थान पर दो बटे दस और शतांश के स्थान पर पाँच बटे सौ शतांश यानी पाँच बटे सौ होता है भागित में सौ होता है और शतांश में दशांश में दस होता है भाग में और शतांश में सौ होता है अब इसकी संख्या क्या बनेगी तो दाही के स्थान पर दो लिखे इकाई के स्थान पर सात और दशांत के स्थान पे क्या आ जाएगा दशमलव के बाद दो और शतांत के स्थान पे दो संख्या बाद दशमलव यानी पाँच आ जाएगा यहाँ पे तो इस प्रकार से आप इसका क्या होगा सत्ताईस दशमलव दो पाँच इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे दहाई के स्थान पे शून्य है यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या है शून्य है दहाई के स्थान पे शून्य है इकाई के स्थान पे पाँच दशमलव दस दशांश आ गया दसम लग गया दशांश के स्थान पे सात और शतांश के स्थान पे पाँच तो क्या बन गया पाँच दशमलव सात पाँच चाणी को देखकर पता करते हैं कि दशाई की संख्या को सत्ताईस दशमलव दो पाँच सत्ताईस दशमलव दो पाँच और पाँच दशमलव सात पाँच पढ़ेंगे जिस प्रकार से संख्या क्या पढ़ेंगे सत्ताईस दशमलव दो पाँच और पाँच दशमलव सात पाँच हम अब हम भिन्न को दशमलव रूप में रूप में तथा दशमलव रूप को भिन्न के रूप में लिखना समझेंगे जैसे सात बटे दस तो क्या जाएगा शून्य दशमलव सात शून्य दशमलव पाँच को हम किसके रूप में भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे पाँच बटे दस एक संख्या बाद दशमलव तो दस आ जाएगा और दस है यहाँ पे तो एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा तो पाँच बटे दस को एक बटे दो भी लिख सकते हैं हम जैसे तीन बटे चार बराबर तीन बटे चार पच्चीस को ऊपर और पच्चीस के नीचे गुणा कर दिए पचहत्तर बटे सौ हो गया अब शून्य दशमलव सात पाँच आ जाएगा इसका सौ है ये कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा दो संख्या बाद तो शून्य दशमलव सात पाँच हम अपने दैनिक जीवन में मुद्रा वजन धारिता मापन दशमलव तो ये आपको इसका अध्ययन कर लीजिए अच्छे से और यहाँ देखिए क्या दिया यहाँ पे एक उदाहरण दिया है शून्य दशमलव शून्य आठ व शून्य दशमलव एक दो को भिन्न के रूप में दर्शाइए तो देखिए यहाँ पे कितने कालम दिए हुए हैं डिब्बे कितने यहाँ पे सौ इसमें भी सौ डिब्बे हैं यहाँ कितने भाग छायांकित है छः भाग छांके थे और यहाँ कितने भाग छायांकित है दस दो बारह भाग छाएंकित है अब चित्र ए में देखिए छायांकित भाग कितने यहाँ पे आठ वर्ग हैं तो भिन्न का रूप क्या होगा आठ बटे शव क्योंकि आठ भाग छायांकित और कुल भाग कितने हैं सौ तो आठ बटे सौ दशमलव रूप क्या हो जाएगा शून्य दशमलव शून्य आठ इसी प्रकार बी नंबर में छायांकित भाग कितने हैं बारह वर्ग हैं और कुल वर्ग कितने हैं सौ तो क्या हो जाएगा बारह बटे सौ भिन्न के रूप में और दशमलव रूप में क्या हो जाएगा शून्य दशमलव एक दो तो इस प्रकार से इस उदाहरण को आप बता सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रयास कीजिए आपको यहाँ प्रयास करने के लिए कहा है शून्य दशमलव शून्य चार को भिन्न के रूप में लिखिए तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक दो तो यहाँ क्या जाएगा चारवाघित सौ दो दशमलव यदि एक संख्या बाद दशमलव रहता है चार बटे दस होता है यहाँ दो बाद एक दो संख्या बाद दशमलव है इसलिए क्या हो जाएगा चार बटे सौ अब शून्य दशमलव दो पाँच को भिन्न के रूप में लिखना है तो यहाँ पच्चीस लिख दिए और पच्चीस बटे क्या हो जाएगा ये सौ या इसको आप पा पाँच बटे एक बटे क्या लिख सकते हैं दो भी लिख सकते हैं पच्चीस चौके एक बटे चार भी लिख सकते हैं इसको पैंतीस बटे सौ का दशमलव रूप क्या हो जाएगा यहाँ पैंतीस भागी सौ है तो पैंतीस यानी दो संख्या बाद दशमलव लगा दो शून्य दशमलव तीन पाँच हो जाएगा निम्नलिखित दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पर उन्नीस दशमलव छः शून्य बढ़ी है उन्नीस दशमलव एक छः से और यहाँ मान ज्ञात कीजिए तो क्या कहा है इनको जोड़ने को कहा है तीन दशमलव एक दो में दो दशमलव शून्य एक को जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ते हैं दो में एक जोड़े तीन एक में शून्य जोड़े एक दशमलव के नीचे दशमलव तीन में दो जोड़े पाँच कितना आ गया पाँच दशमलव एक तीन तो उत्तर कितना आ गया इसका पाँच दशमलव एक तीन तो इस प्रकार से आपका हल हो गया नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद ये मान ज्ञात कीजिए तो इसमें क्या कहा है ग्यारह दशमलव छः में से नौ दशमलव आठ चार सात को हटाइए तो ये लिख लिया हमने ग्यारह दशमलव छः और छः के बाद अब दो शून्य और बढ़ा दीजिए अपनी तरफ से और यहाँ नौ दशमलव आठ चार सात अब इसको घटाते हैं देखिए शून्य में से सात घटेगा नहीं घटेगा तो इस शून्य से उधार मांगे छः भी नहीं घटेगा इस छः से उधार मांगे छः ने इसको उधार दिया है दस हो गया अब दस में से इसने इसको उधार दिया तो यहाँ दस हुआ इसके पास नौ बचा दस में सात घटाए कितना बचा तीन यहाँ कितना था नौ नौ में से चार गए पाँच यहाँ बचा पाँच पाँच में से आठ नहीं घटेगा ये एक से उधार मांगा तो यहाँ हो गया पंद्रह पंद्रह में से आठ घटाए कितना बचा सात अब इसके पास यहाँ कितना बचा शून्य शून्य से नौ नहीं घटेगा इससे उधार ले गए तो यहाँ कितना हो गया दस दशमलव दस नौ गया एक तो कितना आया ग्यारह दशमलव छः में से नौ दशमलव आठ चार सात को घटाएंगे तो एक दशमलव सात पाँच तीन आएगा तो ये उत्तर हो गया इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय आठ दशमलव पर कार्य करेंगे साथ ही कुछ और प्रश्न को अभ्यास करेंगे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए देखिए पाँच बटे चार ये पाँच पाँच बटे चाल का दशमलव रूप क्या होगा तो देखिए हम क्या करेंगे पाँच में चार का भाग दे देंगे जब तो पाँच में हम चार का भाग देंगे पाँचे कम और चारे कम चार, चार. बज गया एक दशमलव का चार दूनी आठ बज गया दो चार पंचे बीस एक दशमलव दो पाँच आएगा तो इसका उत्तर क्या होगा एक दशमलव दो पाँच जबकि बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए ए बी सी और डी इसमें से चारों ऑप्शन में एक दशमलव दो पाँच नहीं दिया तो इसलिए यहाँ के चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं और इसका सही आंसर आएगा आपका एक दशमलव दो पाँच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सुन देखिए शून्य दशमलव शून्य पाँच धन शून्य दशमलव शून्य शून्य छः का मान होगा तो देखिए इसको हल करके देखते हैं हम शून्य दशमलव शून्य पाँच में किसको जोड़ना है शून्य दशमलव शून्य शून्य छः इसको जोड़ते हैं अब पाँच के बाद कुछ नहीं तो एक शून्य लगा दो अब देखिए यहाँ क्या किए शून्य में छः जोड़े कितना आ गया छः आया पाँच में शून्य जोड़े पाँच आ गया शून्य में शून्य जोड़े शून्य दशमलव शून्य शून्य दशमलव शून्य पाँच छः तो इसका कौन सा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसका सी नंबर का ऑप्शन ये सही है शून्य दशमलव शून्य पाँच छः और इस प्रकार से यहाँ सी नंबर को आप क्या कर दोगे घेरे को भर देंगे भरिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन शून्य दशमलव एक पाँच एक दशमलव शून्य पाँच एक दशमलव पाँच शून्य में सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी दशमलव संख्या है तो देखिए यहाँ पे पंद्रह बटे शव एक सौ पाँच बटे कितना हो जाएगा सौ एक सौ पचास बटे तो यहाँ पे जो हर तो समान है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है पचास तो इसका क्या जाएगा एक दशमलव पांच शून्य सबसे बड़ी संख्या होगी इसका डी नंबर का ऑप्शन और यहाँ पे आप डी नंबर को क्या कर दोगे काला कर दोगे या डार्क कर दोगे पेंसिल से नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि के पास अठारह पांच शून्य कितना अठारह दशमलव पांच शून्य रुपये हैं उसने बारह दशमलव सात बारह रुपये पचहत्तर पैसे की शक्कर खरीदी तो कितने रुपए से इस क्या करेंगे अठारह दशमलव पाँच शून्य में से बारह दशमलव सात पाँच को हम क्या करेंगे घटा देंगे चलिए घटाते हैं दस में से पाँच गए पाँच यहाँ बच्चा चार चौदह में सात गए सात यहाँ बच्चा कितना सात सात में से दो गए पाँच और एक में से एक गया शून्य कितना आ गया पाँच दशमलव सात पाँच तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा बी नंबर का पाँच दशमलव सात पाँच और बी नंबर को आप इस प्रकार से काला कर दोगे नीला कर दोगे फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर पाँच दो रुपये पाँच पैसे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे दो रुपये दसम दो दशमलव शून्य पाँच इसको ए, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर पाँचवा कंप्लीट हुआ और ये सही विकल्प कंप्लीट हुए इसके बाद आपके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए कह रहा है चलिए इनको हल करते हैं प्रश्न नंबर छः आठ रुपये पचहत्तर पैसे को दशमलव रूप में लिखिए तो सबसे पहले आठ रुपये पचहत्तर पैसे लिख दिए आठ रुपये को हमको दशमलव रूप में बदलना है तो क्या करेंगे आठ रुपये लिख दिए हमने और ये पचहत्तर पैसे हैं इसको कायम बदल दिए रुपये रुपये में बदलने के लिए क्योंकि हमें एक रुपये में कितने पैसे होते हैं सौ पैसे का एक रुपये होता है तो आप पचहत्तर बटे सौ हो जाएगा हो गया ये आठ रुपये धन अब यहाँ दसम सौ का भाग पचहत्तर में भी कितना है सौन दशमलव सात पाँच रुपये और आठ रुपये में पचहत्तर पैसे को जोड़े तो क्या हो गया आठ रुपये पचहत्तर पैसे आठ रुपये पचहत्तर रुपये तो ये रुपये में बदल गया तो ये इसका दशमलव रूप क्या हो गया आठ दशमलव सात पाँच इस प्रकार से इससे जोड़ भी सकते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न है सून दशमलव तीन के लिए हम दस में कितने भाग छायांित करेंगे तो दशमलव तीन आने क्या हो जाएगा दर्शाने के लिए हम दस में से तीन भाग छायांित करेंगे क्योंकि ये तीन बटे क्या हो जाएगा दस तो टोटल भाग कितने हो गए दस और कितने भाग छाया हो जाएंगे एक दो तीन ये तीन भाग छाया करेंगे इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर सात कंप्लीट हुआ नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आठ पंद्रह बटे शव को दशमलव रूप में लिखिए तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए पंद्रह बटे शव का दशमलव रूप शून्य दशमलव एक पांच क्योंकि भागित में शव है तो कितनी संख्या बाद दशमलव लगा दोगे दो संख्या बाद ऊपर अंश में तो ये शून्य पाँच आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर नौ शून्यशम तीन पाँच और शून्य दशमलव एक तीन में कौन सी संख्या बड़ी है कारण सहित लिखिए। तो आप बता सकते हैं शून्य दशमलव तीन पाँच और शून्य दशमलव एक तीन में शून्य दशमलव तीन पाँच संख्या बड़ी है क्योंकि शून्य दशमलव तीन के दशांश स्थान पर क्या है दशांश के स्थान पर क्या है तीन और शून्य दशमलव एक तीन के दशांश के स्थान पर एक है स्थान के एक स्थान के अंक एक से बड़ा है कौन तीन बड़ा है तो इसलिए कौन सी संख्या बड़ी होगी सून दशमलव तीन पाँच इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर नौ को हल कर सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दस प्रश्न नंबर दस में कहा है नंबर का प्रश्न है दो मीटर पैंतालीस सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए और ब नंबर कह रहा है पचास रुपये पचहत्तर पैसे को रुपये में बदलिए तो चलिए इसको हम बदलते हैं दो मीटर पैंतालीस सेंटीमीटर है तो हमने क्या लिखे दो मीटर और सेंटीमीटर को काम बदल दी मीटर में क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौ सेंटीमीटर जब मीटर में बदल रहे हैं तो हम पैंतालीस भाग क्या लिख देंगे सौ मीटर दो मीटर जैसा का वैसा धन सौ का भाग पैंतालीस में दिए तो कितना सौ दशमलव चार पांच मीटर इसका दशमलव रूप क्या हो गया दो दशमलव चार पांच मीटर इस प्रकार प्रश्न नंबर का हल क्या हो गया दो दशमलव चार पांच मीटर दशमलव रूप में बदल दिए नेक्स्ट प्रश्न है दो नंबर का पचास रुपये धन पचहत्तर पैसे है तो पचहत्तर पैसे को हमने रुपये में बदले तो क्या हो गया पचहत्तर बटे सौ रुपये पचास रुपये धन अब इसको रुपये सौ का भाग पचहत्तर में कितना आ गया सुन दशमलव सात पाँच रुपये तो बराबर क्या हो गया पचहत्तर दशमलव सात पाँच रुपये इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दस यहाँ पर कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर ग्यारह क्या कह रहा है पाँच हज़ार दो सौ दस ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं और इसी का ब नंबर क्या कह रहा है छः किलो पाँच सौ अस्सी ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए देखिए पाँच हजार दो सौ दस ग्राम में क्या कह रहा है किलोग्राम तो एक किलोग्राम बराबर कितना एक हजार ग्राम होता है तो पाँच हज़ार दो सौ दस में किसका भाग दे देंगे हम एक हज़ार का काम बदल जाएगा किलोग्राम में और यहाँ कितने शून्य है तीन शून्य तो ऊपर तीन संख्या बाद दशमलव लगा दी तो क्या गया पाँच दशमलव दो एक शून्य किलोग्राम इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर अ कंप्लीट होता है ब नंबर को देखिए छह किलो पाँच सौ तो अस्सी ग्राम को दशमलव रूप में बदलिए तो छः किलो लिख दिए और पाँच सौ तो अस्सी ग्राम छः किलो जैसा का वैसा लिखो धन पाँच सौ तो अस्सी ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो क्या करेंगे एक हजार का भाग दे देंगे फिर छः धन जब एक हजार का पाँच सौ अस्सी भाग दे तो क्या आ गया शून्य दशमलव पाँच आठ शून्य और इसको जोड़ दिए क्या क्या छः दशमलव पाँच आठ शून्य किलो और इसको हमने दशमलव रूप बदल दिया इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर ग्यारह का और वह प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता आपका 12, है आपका प्रश्न नंबर बारह निम्न को जोड़िए आपको क्या करना है इनको जोड़ देना है तो सबसे पहले एक लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो शून्य लिख दीजिए फिर दस दशमलव चार दो पाँच लिखे फिर शून्य दशमलव सात पाँच अब इसको जोड़ते हैं देखिए शून्य में पाँच जोड़े पाँच पाँच में शून्य जोड़े पाँच नौ में दो जोड़े ग्यारह ग्यारह में पांच जोड़े सोलह की छः हासिल का एक एक में आठ जोड़े नौ नौ में चार जोड़े कितना हो गया तेरह तेरह और सात तो बीस की शून्य हासिल का दो दो में सात जोड़े नौ ये नौ जैसा का वैसा आ गया दो में एक जोड़े तीन और एक जैसा का वैसा जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें एक सौ उनचालीस दशमलव यहाँ पर किया जाएगा आपका एक सौ उनचालीस दशमलव शून्य छः पांच इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर बारह को हल कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तेरह छः दशमलव सात आठ में से दो दशमलव दो पांच को घटाइए अब घटाते हैं छः दशमलव सात आठ लिख दिए दो दशमलव दो पाँच आठ में से पाँच घटाए तीन सात में से दो घटाए पाँच छः में से दो घटाए चार तो छः दशमलव सात आठ में से दो दशमलव दो पाँच घटाए कितना गया चार दशमलव पाँच तीन इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर तेरह को हल कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर चौदह प्रश्न नंबर चौदह क्या कह रहा है गुरमित ने सैतीस रुपये पैंसठ पैसे यानी तैंतीस दशमलव छः पाँच रुपये में गणित इक्कीस दशमलव सात पाँच रुपये में हिंदी और चालीस दशमलव सात शून्य रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी गुरमित द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है तो क्या करेंगे ये गणित हिंदी और जो आपकी अंग्रेजी की पुस्तक में जितना पैसा लगा उन सबको जोड़ देंगे तो हमें कुल खर्च मालूम हो जाएगा देखो गणित का खर्च कितना है सैंतीस दशमलव छः पाँच रुपये हिंदी का खर्च कितना है इक्कीस दशमलव सात पाँच रुपये अंग्रेजी का खर्च कितना है चालीस दशमलव सात शून्य रुपये और देखिए पाँच में पाँच जोड़े दस हासिल का एक छः और एक सात 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 चौदह और सात इक्कीस की एक हासिल की दो और जो हासिल का दो किस में सात में जोड़े सात दो नौ और दस की शून्य हासिल का एक तीन और एक चार चार तीन सात सात चार ग्यारह कितना हो गया एक सौ दस दशमलव एक शून्य कुल खर्च कितना हो जाएगा एक सौ दस रुपये एक सौ दस दशमलव दस रुपये क्या हो गया कुल खर्च इस प्रकार से आप जोड़ के बता सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर पंद्रह अंतिम प्रश्न है आदस सोलह किलोग्राम सब्जी खरीदता है आदस कितनी सब्जी खरीदता है सोलह किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें तीन किलोग्राम पाँच तीन किलोग्राम पाँच सौ ग्राम, तो ग्राम आलू एक किलोग्राम पचहत्तर ग्राम टमाटर पाँच सौ पच्चीस ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज प्याज का वजन ज्ञात कीजिए तो क्या कीजिए पहले आलू का वज़न फिर टमाटर का वजन और शिमला का वजन तीनों को जोड़ दीजिए आलू का वजन कितना है तीन दशमलव पाँच शून्य शून्य किलोग्राम टमाटर का वज़न कितना है एक दशमलव सात पाँच शून्य किलोग्राम शिमला मिर्च का वज़न कितना है शून्य दशमलव पाँच दो पाँच किलोग्राम अब इनको जोड़ते हैं देखिए पाँचों शून्य शून्य जोड़े शून्य और पाँच जोड़े तो पाँच आ गया फिर पाँच में दो जोड़े सात पाँच में सात जोड़े बारह बारह पाँच जोड़े सत्रह के सात हासिल का एक तीन और एक चार और एक पाँच कितना आ आलू टमाटर और मिर्च का वज़न कितना हो गया पाँच दशमलव सात पाँच किलोग्राम अभी किसका आलू टमाटर मिर्च का वज़न मालूम हो गया और सब्जी का कुल वज़न कितना है सोलह किलोग्राम अब क्या करेंगे ये आलू टमाटर और मिर्च के वज़न में से वजन को किस में से कुल वजन में से घटा देंगे तो हमें किसका वजन मालूम हो जाएगा प्याज का तो देखिए सब्जी का कुल वजन सोलह दशम किलोग्राम है आलू टमाटर मिर्च का वजन कितना है पाँच दशमलव सात सात पाँच किलोग्राम अब इसको हटाए तो कितना आ गया दस दशमलव दो दो पाँच किलोग्राम तो प्याज का वजन कितना हो गया दस दशमलव दो दो पाँच किलोग्राम इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर पंद्रह कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था अध्याय आठ दशमलव कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ आपको आपको दशमलव अध्याय आठ के दशमलव के जो प्रश्न समझाइए अच्छे लगे होंगे तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए